हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, द एलिफेंट्स एंड द माइस, ऑन पेज नंबर 17, द एलिफेंट्स एंड द माइस, हाथी और चूहे। लेट्स रीड, कम ऑन पेज नंबर द 18, रीड द कॉमिक अबाउट ए प्राउड एलिफेंट एंड हेल्पफुल माइस। गौरवशाली हाथी और सहायक चूहों के बारे में कॉमिक पढ़ें। A long time ago, some mice lived happily in a colony in the forest. लंबे समय पहले एक जंगल में एक कॉलोनी में कुछ चूहे खुशी से रहते थे। There was a big lake located near their colony. उनकी कॉलोनी के पास एक बड़ी झील स्थित थी। Mother, may I dive into the lake? माँ, क्या मैं झील में डुबकी लगा सकता हूँ? Oh, the water is so कॉल्ड एंड फ्रेश। ओ, वाटर बहुत ठंडा और फ्रेश, ताज़ा है। पानी बहुत ठंडा और ताज़ा है। वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स केम टू द लेक टू ड्रिंक वाटर। एक दिन हाथियों का झुंड उस लेक पे, उस झील पे पानी पीने के लिए आया। ऑन देयर वे टू द लेक द एलिफेंट्स ट्रैम्पल्ड मैनी स्मॉल माइस अंडर देयर बिग हैवी फुट। झील के रास्ते में हाथियों ने अपने बड़े भारी पैरों के नीचे कई छोटे चूहों को दबा दिया। हेल्प हेल्प, चूहे कहने लगे हेल्प हेल्प। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड कमिंग टू द लेक एवरी वीक। इसके बाद वे प्रत्येक सप्ताह एवरी वीक में उस झील पर आना शुरू कर दिए। व्हेनेवर दे कैम दे किल्ड मैनी माइस बाय वॉकिंग ओवर देम। फिर क्या हुए, जब भी वो उस झील पे आते अनेक चूहों को चलते चलते ही अपने पैरों से वो मार देते थे। ठीक है, वो जैसे भी आते थे और वो कई चूहों को मार देते थे अपने पैरों से। रन रन, भागो भागो, द एलिफेंट्स आर हियर अगेन। एलिफेंट्स यहाँ पर दोबारा आ गए हैं। ऐसा कौन कहता था? चूहे कहते थे, क्योंकि वो उससे डरते थे। उन्हें पता था वो मार देंगे, तो वो ऐसे बोलने लगे, रन रन, द एलिफेंट्स आर हियर अगेन। Now come to page number 19. The king of the mice recited meat to the chief of the elephants. जो चूहों का राजा था, उसने निश्चय किया कि वह elephants का जो chief है, हाथियों का जो मुखिया है, उससे वह मिलेगा। After all, इसके बाद he was in charge of his people. इसके बाद वे अपने लोगों के प्रभारी थे। The king of the mice went to the chief of elephants and requested him to take another route to the lake. The king, फिर उसने क्या किया? The king of the mice went to the chief of elephants. जो चूहों का राजा था, वह हाथियों के मुखिया के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट करी। किसने रिक्वेस्ट करी? कि वह अपना मार्ग, झील का मार्ग बदल देवे, और उनसे झील के लिए और मार्ग लेने का अनुरोध किया कि वह झील का दूसरा मार्ग ले ले, रूट ले ले। द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स वाज वेरी काइंड। जो हाथियों का मुखिया था, वो बहुत दयालु था। योर एलिफेंट्स हैव किल्ड हंड्रेड ऑफ माई माइस। तुम्हारे हाथियों ने मेरे सैकड़ों चूहों को मारा है। माई माइस अफ्रेड टू गो टू द लेक। मेरे जो चूहे हैं, वह झील पर जाने से डरते हैं। द एलिफेंट्स आर बिग लैंड एनिमल्स। एलिफेंट्स बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं। वॉट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हैं? ओ किंग ऑफ द माइस, ओ चूहों के राजा। नाउ कम टू पेज नंबर 20। प्लीज टेक ए डिफरेंट रूट टू द लेक, वी माइस विल बी इवर सो थैंकफुल। कृपया आप अपना रूट दूसरा ले ले, हम चूहे आपके बहुत आभारी होंगे। द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ द माइस। जो हाथियों का मुखिया था, उसने चूहे की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। थैंक यू काइंड सर, थैंक यू दयालु सर, वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू। हम वास्तव में आपके बहुत आभारी हैं। वी आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प यू इन द हावर ऑफ योर नीड। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि हम भी आपकी आवश्यकता के समय में आपकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। द एलिफेंट चीफ एंड ऑल हिज स्क्वाड लाफ्ड एंड लाफ्ड। जब चूहों ने इसे बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तो जो एलिफेंट्स हाथियों का जो मुखिया था और उसके जो दरबारी थे, वे हंसे और क्या कहे, यू माइस आर सो स्माइल, तुम चूहे बहुत छोटे हो, हाउ कैन यू हेल्प अस जेंट्स।
तुम हम बड़ों की कैसे हेल्प कर सकते हो? वी थैंक यू फॉर द ऑफर, तो हम आपको इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद करते हैं। अब आगे की जो स्टोरी है कि कैसे चूहों ने एलिफेंट्स की हेल्प करी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।